अब हम लोग जो है दो नंबर में बनाएंगे। दो नंबर में बताया गया है यहाँ, यहाँ बोला गया है कि x और देखिए यहाँ x यहाँ पर है, x और y का मान आपको निकालना है, दो चीज़ का मान निकालना है। x हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या था, ये एक का मान निकालना था, एक का x का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर जो है दो नंबर क्वेश्चन में है कि हम लोग x और y दोनों का मान निकालना है। तो दोनों का मान हम लोग किस प्रकार से निकाल पाएंगे, तो देखिए पहले x का मान जैसे पहले निकालते थे उसी तरह से निकालेंगे और y का भी मान हम लोग का निकल जाएगा। तो कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में y दिया है, कोई कोई x में, कहीं पर दोनों दे दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नंबर को हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो देखिए एक नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, नाम इसका देख लेते हैं क्या है, ए है, यहाँ ए है, दूसरा का नाम है बी और इसका सी है, ठीक है। सबका नाम प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है, यहां भी इसका ही हो जाएगा ए। अब यहां पर ए कितना दिया हुआ है, ए का मान निकल वाई है, यहां पर ये इसका टेढ़ाई सा दिया हुआ है, तो इसका मान पहले बताए थे इसे 90 डिग्री का सिंबल होता है, इसका सिंबल ही 90 डिग्री का है, इसका मान आप जानिए 90 डिग्री होता है, यहां 45 डिग्री हुआ है। तो यहां लिखिए चूंकि कौन ए कौन बी अब कौन सी बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब कौन ए का मान दिया है वाई, वाई लिख दीजिए, कौन बी का नाम मान दिया है 90 डिग्री और उसका सी का दिया है 45 डिग्री और तीनों को मिला के होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वाई बार वाई प्लस हुआ 90 और 45 को जोड़िए तो ये 5 के 5 हो जाएगा और 9 और 5 9 और 4 कितना 9 10 11 12 13 होता है तो 135 डिग्री हो गया आपका, 135 डिग्री यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए वाई का तो 180 डिग्री में 135 डिग्री को माइनस करना है, ठीक है। तो आपको माइनस करने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि देखिए 100 में कैंसिल आउट चला गया, 80 बचा, 80 में 35 चला गया, तो एक में 80 में से 35 जगह मान लीजिए तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 45 डिग्री, तो वाई बराबर आपका कितना निकल कर आया 45 डिग्री। तो y का मान कितना है यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, ये y का मान निकल गया आपका। अब हम लोग आएंगे दो नंबर का, इस क्वेश्चन का निकल गया है। अब दो नंबर हम लोग करते हैं, देखिए दो नंबर में दिया यहाँ दिख रहा आपको, ए नंबर में 50 डिग्री दिया है, बी नंबर में y दिया है, नहीं दिया है मान, और सी नंबर में 110 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ सोचिए x का मान निकालिए पहले या y का मान निकालिए पहले, किसी का भी पहले आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ निकालते हैं, ये x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ हो गया b, यहाँ से कर तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि कौन x जोड़ कौन, नहीं इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए तब अच्छा रहेगा कि बोलने में, यहाँ ए सी हो गया ना, यहाँ ए बी सी, यहाँ डी दे दीजिए, यहाँ हम लोग डी दे दिए नाम, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज यहाँ यहाँ से इस कौन को हम लोग देखिए, तो यहाँ कौन कौन ए ए सी डी प्लस कौन ए सी बी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर लिखे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्यों क्यों लिखते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर इस तरह का होता है, इस डिग्री का दोनों दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए जब एक लाइन का हम लोग दोनों दो कोण का मान निकालेंगे तो उसको हम लोग उसको लिखना पड़ता है रेखिक युग्म। क्यों यहाँ से कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन सा क्या है, तो ये आपको ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो सी का कोण इस तरफ का कोण का मान देखिए कितना हुआ है, एक्स दिया है तो एक्स लिख दीजिए, यहाँ से इसका मान एक्स लिख दिए, इसका मान कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ दी है, 110 डिग्री है, जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ देखिए। तो एक्स बराबर कितना 180 में से आपको 110 को घटा देना है, तो कितना निकल के आएगा एक्स का मान, एक्स का मान 110 में चला गया यहाँ, तो ये आपका आएगा 70 डिग्री,
तो इसका एक्स का जो मान निकला आपका 70 डिग्री निकल कर आ गया। अब आ जाइए वाई का मान निकालने के लिए। तो देखिए वाई का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो पहले हम रेखा नंबर में निकाले थे उसी तरह से निकालेंगे। त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि कौन ए कौन बी कौन सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, कौन ए का मान दिया है 50 डिग्री, कौन बी का मान नहीं है, कौन सी का मान है 110 डिग्री, 110 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। चलिए y बराबर हो गया क्या, y प्लस 150 को दो दीजिए 160 हो गया, 180 डिग्री। y बराबर हम लोग लिखेंगे 180 में 160 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो y बराबर निकल हमारा कितना आएगा, y बराबर निकल गया तो 20 डिग्री जो है इस कोण का मान जो आपका निकल कर आया 20 डिग्री। दो नंबर क्लियर है, अब हम लोग आइए तीन नंबर में देखिए। तीन नंबर में यहाँ पर यहाँ ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, x का मान हम लोग यहाँ x का है, यहाँ y है। ठीक है, दोनों का मान है, तो हम लोग रेखीय युग्म से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कौन x जोड़ 55 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख दिया रेखीय युग्म, रेखीय युग्म यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ जोड़िए दोनों को, x प्लस 55 180 डिग्री। x का मान निकालिए तो 180 में आपको घटा देना है 55 को, तो कितना निकल कर आएगा, x का मान कितना निकल, तो यहाँ 0 में से 5 10 में से 5 जगह 5। ठीक है, और यहाँ आपका बच गया 7, यहाँ 2 125 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया, यहाँ इसका 125 डिग्री इसका निकल के आ गया। तो हम लोग x का मान हम लोग देख लिए, यहाँ ये निकल गया, यहाँ 30 डिग्री दिया है। y का मान निकालना है तो हम लोग दो डिग्री त्रिभुज के दो डिग्री यदि दिया हुआ रहता है तो हम लोग तीसरा डिग्री बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको कौन r जोड़ कौन q कौन p बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिखना था। तो कौन जो इस साइड 55 को नहीं देखना है, त्रिभुज के अंदर वाला कौन को देखना है। ठीक है, तो x का मान हमारा निकल गया है, r का मान निकला है कितना 125 डिग्री, और y का मान q का मान तो नहीं निकला है, y लिख देंगे और उसका निकला है 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, जोड़ 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे, 125 और 30 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 है, 155 डिग्री प्लस y बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पर y बराबर हम लोग लिखेंगे 180 घटा 155। तो यहाँ पर देखिए आप 100 कैंसिल आउट हो गया, 80 में से 55 जाएगा। ठीक है, तो इसका जो y बराबर आपका निकल कर आएगा 5 और यहाँ बचा है 7 में 2, तो ये निकल गया है 25 डिग्री। तो इसका y का जो मान आया यहाँ पर कितना आया 25 डिग्री आंसर। तो हम लोग निकाल दिए, देखिए इसका x का मान 125 डिग्री निकाले, y का मान 25 डिग्री निकाले, और हम लोग यदि सब कुछ प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, 125 और 25 150 हो गया, 150 में 80 जोड़ 30 जोड़ देंगे तो 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमारा ये तीन नंबर भी हम लोग बना लिए। अब हम लोग आते हैं चार नंबर में। देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें है
कौन जो त्रिभुज के अंदर में ये 50 डिग्री दिया हुआ कौन सी का, यहाँ बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, चूंकि कौन ए कौन बी और कौन सी का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ कौन ए का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ क्या है कौन का ए का मान नहीं दिया है, तो कौन ए का मान नहीं देने से कौन ए ही हमको लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ उसका जैसे यहाँ टेढ़ाई से बी में टेढ़ाई सा दिया हुआ है, देख लीजिए आप, तो इसमें से इसका 90 डिग्री का मान होता है प्लस उसका 50 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री हो गया आपका। कौन ए का मान नहीं दिया है, लिख देते हैं इसको, और इसको जोड़िए तो जीरो और कितना होता है एक दे दिए, यहाँ 14 हुआ 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कौन ए बराबर हो गया आपका 180 में आपको 140 को घटा देना है, ठीक है, तो कौन ए बराबर कितना निकल कर आएगा, तो 100 100 कैंसिल कर दीजिए, 80 में 40 तो 40 डिग्री आया, ये 40 डिग्री आपका निकल कर आया यहाँ पर, ठीक है। इस कौन का मान हुआ आपका 40 डिग्री, देख लिया इस कौन का मान कितना निकला यहाँ पर, देखिए 40 डिग्री निकल कर आया है। तो आप देखिए यहाँ पर इस रेखा को देखिए, अब इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ है ना यहाँ, तो 40 और x को हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 40 रेखीय युग्म से, ठीक है। तो यहाँ देखिए x जोड़ 40 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 घटा 40, तो x बराबर कितना निकल गया है 140 आंसर, 40 को घटा दिए तो कितना होगा 140 डिग्री x का मान निकल कर आ गया। तो ये अब हमने चार नंबर भी आप बना, अब आइए पांच नंबर, देखिए पांच नंबर में क्वेश्चन पांच नंबर है, P है 70 डिग्री और Q है 40 डिग्री और यहाँ पर R का मान यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं R का मान, यहाँ लिखिए चूंकि कौन R कौन Q कौन P बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो R का मान नहीं दिया है तो R ही लिखते हैं इसको, प्लस Q का मान दिया है 40 डिग्री और इसका दिया है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ जोड़िए कौन R बराबर, सॉरी जोड़ लीजिए पहले 4 और 11 होता है 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ कौन R बराबर हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ कौन R का मान कितना निकल के आया आपका 70 डिग्री यहाँ आया, तो इसका मान कितना निकल गया आपका, यहाँ देखिए ये 70 डिग्री यहाँ निकल के इसका आ गया। तो अब यहाँ देखिए ये कौन Y बचा है कौन Y, तो यहाँ पर ये हम लोग देख के यहाँ पर कर लेते हैं, R का मान हम लोग निकाल लिए, अभी एक्स वाई का मान नहीं निकला है, एक्स वाई मान निकाल लेंगे। तो देखिए इस यहाँ तो देखिए यहाँ इस रेखा को देखिए यहाँ से, तो इस रेखा इस तरह का यहाँ बना है, ठीक है, और एक त्रियक रेखा गया है इस तरह से एक त्रियक रेखा गया है ना, इस कोण का मान हो गया आपका 70 डिग्री नहीं हुआ ना, तो इस कोण का मान आप नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो निकालिए यहाँ पर, फिर लिखिए कौन लिखिए, इसलिए वाई कौन y और कौन लिखिए P R Q बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ लिख दिया रेखिक युग्म, क्योंकि हम लोग इस लाइन को ले रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग रेखिक युग्म लिखना पड़ रहा है। उसके बाद है y का मान, तो हम लोग दिया हुआ नहीं है तो y का मान ऐसे लिख दीजिए, इसका मान कितना 70 डिग्री दिया है 180 डिग्री, y बराबर लिखिए यहाँ पर
180 में 70 को घटा दीजिए तो y बराबर कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये आपका जो है 110 डिग्री y बराबर निकल के आ गया, 110 डिग्री y बराबर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग x का मान निकालेंगे। अब यहां पर देखिए, इस रेखा को लिए थे तो इस दोनों कौन को मान निकाल लिए ना। अब हम लोग इस रेखा को लीजिए, ऐसे इस रेखा को, ये तिर्यक रेखा है, ये वाला तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहां मान दिया है x और यहां 110 डिग्री अभी निकालनी है, तो इसका मान हम लोग भी निकाल लेंगे। x, इसलिए x जोड़ 110 बराबर 180, यहां भी देखिए रेखा u में, तो हमारा निकला x बराबर 180 में से आपको घटाना है 110, तो x बराबर कितना है 70 डिग्री आंसर। तो हमारा x बराबर कितना निकला था, तो देखिए x बराबर हमारा यहाँ निकला 70 डिग्री, और y बराबर कितना निकला है, तो y बराबर यहाँ पर देखिए कहाँ गया y, 110 डिग्री। ये दोनों आंसर। चलिए हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन को आप बुक में अपना, यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन परिस्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है। तो तीन का एक नंबर में दिया हुआ है 40 डिग्री कोमा 30 डिग्री कोमा और फिर 40 डिग्री कोमा। ठीक है, दो नंबर में आपका है 120 डिग्री कोमा 80 डिग्री और 20 डिग्री। तीन नंबर में आपका है 50 डिग्री और 80 डिग्री। चार नंबर में है 90 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री। पांच नंबर में है 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। छः नंबर में है आपका 110 डिग्री 100 डिग्री और 80 डिग्री, है ना। ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हम लोग को निकालना है कि त्रिभुज ये संभव है या नहीं है। तो हम लोग संभव है हाँ या ना में उत्तर हम लोग को यहाँ पर देना है। किन यदि त्रिभुज के तीन किन परिस्थितियों में त्रिभुज का संभव बनना संभव है, तो संभव है कि नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक नंबर में यहाँ देखिए जोड़िए, यहाँ 40 और 40 80 और 30, तो 80 में 30 जोड़ेंगे कितना, 80 जोड़ 20 110 डिग्री निकलता है। तो 100 यह कुल कितना होता है, यहाँ देखिए 40 जोड़ 30 जोड़ फिर 40 बराबर 110 डिग्री। तो त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 हुआ मेरा नहीं हुआ, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या है नहीं बनेगा। तो ये बोलेगा संभव है नहीं, संभव नहीं है। दूसरा जोड़ी यहाँ पर, यहाँ है फिर इसमें देखिए 120 जोड़ 80 जोड़ 20 बराबर की 180 होता है, 120 है यहाँ 200 हो गया, 200 और यहाँ पर 20 तो 220 हुआ, यहाँ 220।
180 आया तो ई भी हो जाएगा आपका नहीं, संभव नहीं। इसमें जोड़िए 50 जोड़ 50 जोड़ 80 बराबर, देखिए 50 50 100 हो गया और 80 180 ये हुआ, तो ये बनेगा, ये हाँ संभव, ये बनेगा संभव हो गया। यहाँ फिर जोड़िए, यहाँ 90 और 90 दो ही डिग्री में 90 और 90 हो गया तो 180 हो जाता है, ये तीसरा फिर डिग्री भी ज़्यादा हो गया तो इसको लिख दीजिए नहीं। अब यहाँ आइए 90 ठीक है, और यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर 90 और 30 और 60 या 90 होता है तो 90 और 90 दोनों मिल गया तो कितना होता, जोड़कर 180 होता है, तो 180 हो जाने से क्या होगा, यह संभव है, संभव है। यहाँ देखिए 100 और यहाँ 110 तो 210 डिग्री हो गया, 210 और यहाँ पर 80 तो 280 और 10 290 होता है, यह बनता है, इसको भी लिख दीजिए नहीं, ये भी जोड़ने से 180 नहीं आता है। 110 जोड़ 100 जोड़ 80 बराबर कितना है, 210 होता है, 210 होता है, नहीं बना, वो संभव नहीं है।